भैया, वीडियो बनेगा सर, बताइए आप आम जनता को। कभी बिहार पुलिस सेना के जवान को एक पार्किंग को लेकर के पीटती है, घसीटती है, थाने में ले जाकर के बंद कर देती है। कभी एक सेना के जवान द्वारा सादी वर्दी में खड़े जवान को टोकने पर, पुलिस जवान को टोकने पर वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है पुलिस वालों की, और झूठे शराब के केस में उस सेना के जवान को मारा जाता है, पीटा जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। कभी अपनी पत्नी को एग्जाम दिलाने जा रहे सेना के जवान को बिहार पुलिस सिर्फ मामूली कहा सुनी पर गाली देती है, भद्दी पीटती है और घसीटते हुए थाने में ले जाती है। कभी गलवान में शहीद हुए जवान के पिता के साथ अभद्रता की जाती है, उन्हें पीटा जाता है और एक अपराधी की तरह उन्हें गाड़ी में बिठा करके थाने ले जाया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। सभी खबरें बिहार पुलिस की शर्मसार कर देने वाली करतूत का कच्चा चिट्ठा है और बिहार में व्यापक तौर पर फैले गुंडा राज और जंगल राज की कहानी बयान करते हैं। ये खबर उन सेना के जवानों की है जिन्होंने देश के लिए अपने परिवार, अपने घर द्वार, अपने बच्चों को छोड़कर देश की सीमाओं पर जो इस वक्त डटे हुए हैं, लेकिन जब वो साल 6 महीने में एक बार अपने घर सुकून की जिंदगी बिताने घर आते हैं तो कहीं बिहार पुलिस उन्हें सरेराह गालियां देती है, मारती है, बेइज्जत करती है, किसी पर झूठा दारू पीने का आरोप लगाकर जेल में डाल देती है, तो किसी को मामूली बहस पर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर किसी अपराधी की तरह मारते हुए थाने ले जाती है। बिहार पुलिस यही नहीं रुकी, इन्होंने खाकी को ऐसा शर्मसार किया कि जो जवान गलवान में हमारे लिए लड़ते हुए बलिदानी हो गए उसके बूढ़े पिता को गरियाते हुए घसीटते हुए रात में पकड़ कर ले गई। जुर्म सिर्फ इतना था कि उनके पिता ने जिस जगह पर अपने शहीद बेटे जय किशोर की प्रतिमा लगाई थी उससे गांव के कुछ लोगों को आपत्ति। इस मामले को आसानी से समझा कि सुलझाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बिहार पुलिस में खाकी के अंदर घुसे गुंडा प्रवृत्ति के लोग कहां मानने वाले थे। ले गए खींच के, उनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो जिसको पकड़ने के ले जा रहे हैं वो एक शहीद के पिता है। अब गलवान शहीद जय किशोर जी के पिता जेल में हैं। वहीं आपको पता है कि इस शहीद के एक और भाई हैं जो कि फौज में ही हैं। वो अब छुट्टी पर आए हैं ताकि अपने पिता के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकें। ये कैसा दुर्भाग्य इस देश का, जिस बेटे ने दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए लेकिन दुश्मन को एक इंच भारत की भूमि पर आगे नहीं बढ़ने दिया, आज उसी बलिदानी के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि सत्ता में बैठे नेता, चारा घोटाले के दोषी लालू यादव के सुपुत्र और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार प्रशासन ने सही एक्शन लिया है। बिल्कुल, ये वही हैं जो गलवान शहीद जय किशोर जी के अंतिम यात्रा में आए थे और फोटो खिंचवा के कह रहे थे कि शहीद के परिवार को उचित सम्मान दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, भाजपा के सुशील मोदी, पप्पू यादव जैसे बिहार के सारे बड़े नेता फोटो खिंचवाने आए थे, आज सब मौन है या विरोध कर भी रहे हैं तो कहीं दबी हुई आवाज में। रक्षा मंत्रालय, हमारे रक्षा मंत्री जी सब मौन है, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए, जब वो शहीद का पिता जो जेल में बंद है वो क्या सोच रहा होगा, आज मेरा बेटा इन बेईमानों और मक्कारों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। वो मां क्या सोच रही होगी, वो दूसरा फौजी भाई जब ड्यूटी पर वापस जाएगा तो क्या सोच के जाएगा, इसकी रक्षा कर रहा है वो, किन लोगों के लिए अपने सिर पर कफन बांध कर सरहद पर तैनात है वो। बिहार के मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए है, सुशासन का दावा करते हैं और उनके सामने कुशासन फैला हुआ है। सीएम नीतीश कुमार नहीं है वो अब बन चुके हैं कुर्सी कुमार। कुछ भी हो जाए कुर्सी रहनी चाहिए, भले ही सम्मान असम्मान चला जाए। सत्ता में बैठे धृतराष्ट्र, सर करो तुम लोग, देश का सर सर्व से झुका दिया है, अगर ऐसा ही रहा तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। तुम्हारा थानेदार, तुम्हारी पुलिस अब बेलगाम हो चुकी है, इस पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। न्याय तुम लोगों से दिया नहीं जाता तो कम से कम अन्याय तो मत करो।
मैं आज ये पीड़ा हर उस परिवार की तरफ से व्यक्त कर रहा हूं जिनके बेटे, जिनके पिता, जिनके पति, जिनके भाई आज देश के अलग अलग हिस्सों में देश की हिफाजत में डटे हुए हैं। और ये मैं किसी पत्रकार की हैसियत से नहीं बल्कि एक सैनिक का बेटा, एक सैनिक का भाई होने की हैसियत से कह रहा हूं। मेरी बातें कुछ लोगों को चुभेंगी लेकिन यही सच है इस देश का जो कि कड़वा है, जहां उनके सैनिकों को सिर्फ शहादत वाले दिन ही सम्मान दिया जाता है और उसके बाद उनकी पीड़ा कोई सुनने नहीं आता। रक्सौल वाली घटना से हम सब वाकिफ हैं कि कैसे वहां एक सेना के जवान राधा मोहन को मामूली सी बात पर पुलिस बीच बाजार मारते, गाली देते, घसीटते हुए थाने ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। जवान की एक माह पूर्व ही शादी हुई थी, वो अपनी पत्नी को एग्जाम दिलवाने गया था। मामूली कहासुनी पर बिहार पुलिस में दरोगा जितेंद्र राधा मोहन को घसीटते हुए ले गया। अकेले जवान पर हाथ डालने की औकात नहीं थी इसलिए पहले आधा दर्जन पुलिस वाले गुंडों को बुलाया गया। उसके बाद भी इस पूरे घटना को आप सबको पता है कि क्या हुआ है। वहीं बिहार पुलिस ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, ये कहकर डाल दिया कि गलती दोनों तरफ से हुई है। बल्कि बिहार पुलिस के अधिकारियों के बयान से लग रहा था कि सारी गलती सेना जवान राधा मोहन की ही है। शराब, भू, खनन माफिया खुलेआम बिहार में लूट खचोट मचा रहे हैं। नीतीश जी की पुलिस कान में रुई डाल के सो रही है। कभी रेल की पटरी, कभी पुल, कभी सड़क, कभी टावर, ये सब चोरी होते जा रहे हैं बिहार में। बिहार पुलिस के कान पर तब भी जू नहीं रेंग रही। सेना जवान को मारने, पीटने, गाली देने, शहीद के पिता के साथ अभद्रता करने में ये इतनी तत्परता दिखाती है, क्या कहा जाए और किससे कहा जाए। सोते हुए को जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय हिंद की सेना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।